देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या हो सकता है? इसे पढ़िए सर। गुरुजी, क्या लिखा है चिट्ठी में? ज्योतिबा फुले जी की सत्य शोधक समाज एक संस्था है। इन्होंने लिखा है कि ग्रेजुएशन में अगर भीमराव पास करता है तो इसका जश्न उनकी संस्था भी मनाएगी, ताकि छोटी जात के बच्चों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरणा मिले। सर, परिस्थिति की गंभीरता और व्यापकता को समझिए और परीक्षा देने दीजिए भीम को। भीम को बैठने दो, लेकिन सबसे पीछे। धन्यवाद सर। प्रिंसिपल सर ने क्या कहा सुना नहीं आपने? वहां बैठकर परीक्षा देने दीजिए मुझे। किसी ने नहीं मारा भीम। परीक्षा का समय हो गया है, सबके पास 3 ही घंटे हैं। अरे भीमराव, लग गई, जाओ इलाज कराओ, अपना भी और अपनी पत्नी का भी। परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। भीमराव सही में एक आग जैसा लग रहा है। अगर समय रहते इसे बुझाया नहीं गया तो ये बहुत कुछ जला सकती है। ये आग नहीं बुझेगी सर। बुझानी होगी इसे, वरना दलित समाज के एक लड़के ने अगर स्नातक कर लिया तो आदर्श बन जाएगा।
और जब आदर्श सामने हो तो कई पीढ़ियां बनने लगती हैं। सर ये तो अच्छी बात है ना कि हर वर्ग पढ़ेगा, और एक शिक्षक होने के नाते हमें और क्या चाहिए। वैसे भी ये हमारा कर्तव्य है कि हम समाज में आदर्श स्थिति उत्पन्न करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। मुझे बात नहीं करनी आपसे, आपने शिक्षक की नौकरी बहुत बाद में की, जबकि एक जात में आप बहुत पहले से जी रहे हैं। जाइए यहां से। क्या कहा उन्होंने, इसका दर्द कब खत्म होगा? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि दवा तो दे दिए, अब धीरे धीरे ही असर होगा, तब जाके शायद थोड़ा आराम मिले। कबीर नाम जर्जरी कूड़े के वनहार, हलके हलके तेरी गए बूढ़े तिनी सरभा, बूढ़े तिनी सरभा। तो क्या आपकी परीक्षा, उन परीक्षाओं के परिणाम आपकी उपलब्धि है, ये सब बहुत उनके लिए ज्यादा जरूरी है। कबीर सीप समंद की रटे प्यास प्यास, समुदही तिनका करी गिने स्वाति बूंद कियास, स्वाति किया। अब आज अगर मुझे तर्न छोड़कर चले जाएंगे तो आई की नजर में अब मेरे लिए गुनहगार बन जाएंगे ना। फिर अम्मा आपको इस गुनाह से मुक्त करती। सब लोग लिखना बंद करो, चलो चलो चलो। चलो उठो उठो उठो, अपनी अपनी कापियां दे जाओ, चलो, और प्रश्न पत्र मत देना, चलो जल्दी आ।
भीम दवा लगा लो। आजीवन में पहली बार देखा है किसी शिष्य को रोते रोते परीक्षा देते हुए, और वो आंसू परीक्षा के डर के कारण नहीं, अभी तो पीड़ा और कष्ट के कारण थे। भीम इस पीड़ा को याद रखना, क्योंकि ऐसी पीड़ा समय की मिट्टी में पैदा होकर जब फलती फूलती है तो भविष्य को बदल देती है। लो दवा लगा लो। ए, लगाओ लगाओ दवा लगाओ भीमराव। अच्छा सुना है तुम डायरी लिखते हो, तो अब जब भी डायरी लिखना तो ये लिखना मत भूलना कि तुम चाहे अपने को बहुत समझदार बहुत होशियार समझते हो, मगर लोग तुम्हारी औकात बस इतना समझते हैं कि जो जिसके मन में आए वो तुम्हें फेंक कर मार सकते हैं। ये तो जरूर लिखूंगा डायरी में, स्नातक की परीक्षा का दूसरा पेपर दर्द के नाम रहा। लेकिन अच्छा हुआ आप में से किसी ने मुझे डस्टर फेंक कर मारा। मैं यहां कॉलेज में दर्द में था और मेरी पत्नी रमा वहां हॉस्पिटल में दर्द में थी। इसी बहाने गुरुजी आज की परीक्षा में हम दोनों ने दर्द सहा। माफ कीजिए गुरुजी, जब तक मैं देख नहीं लेता कि रमा ठीक है मैं दवाई नहीं लगा सकता। सर, आपका ये शिष्य समझता है कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने से बड़ा बन जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जाओ, क्योंकि तुम नहीं समझोगे। किसी की बड़ी बड़ी बातें समझने के लिए स्वयं का भी थोड़ा सा बड़ा होना अति आवश्यक होता है, समझे? नहीं, आप ही समझते रहिए। सर, आप शिक्षक होकर मैं चपरासी होकर ये समझ रहे हैं कि ये भीमराव एक दिन इस कॉलेज का नाम जरूर रोशन करेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब भीम के नाम से इस कॉलेज का नाम याद किया जाएगा। रमा तुम ठीक हो? ऐसे अचानक कैसे तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? पता नहीं दीदी, दर्द कब से शुरू हुआ था? मैंने कल रात में खाना खाया उसके बाद शुरू हुआ था। तुम आराम करो। रमा कैसी है तुम्हारी तबीयत? हाँ ठीक है। आपकी परीक्षा कैसे गई? चोट कैसे लगी आपको? तुम लेटी रहो। देखो रमा,
इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, जो मुझे परीक्षा दिलाने के लिए खुद दर्द सहे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैं परीक्षा ना दे पाऊं इसलिए दर्द देते भी है। बस छोटी सी चोट है और कुछ नहीं। भीमभाव, रमा, आप लोग दोनों बात करिए, मैं और लक्ष्मी जाकर डॉक्टर से पूछ कर आते हैं कि रमा को हम कब घर ले जा सकते हैं। आप पूछिए, हम आते हैं। चलो, ध्यान देना। बताओ ना, कैसी हो तुम? पहले से ठीक है। आपकी परीक्षा कैसे गई? परीक्षा अच्छी गई। सुनिए, आप ना मेरे लिए ज्यादा परेशान मत होइए। क्यों? पत्नी हो तुम मेरी। ये दर्द का आपका कितने दिन चलेगा? मतलब? मैं समझा नहीं। आप जो बनना चाहते हैं, लोगों के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं, दूसरों के सुख दुख में साथ देना चाहते हैं, उसके लिए आपको अक्सर मुझसे दूर रहना होगा। और जब आप दूर रहेंगे तो दर्द और तकलीफ भले हो जाए, उसके लिए आप रुकेंगे तो नहीं, और ना ही आपको रुकना है। इसलिए कह रही, गलत कह रही थी क्या? सही कह रही। इसलिए आप मेरी तकलीफ के बारे में ज्यादा मत सोचा कीजिए। पता नहीं तुम सही कह रही हो या गलत, मगर मेरी सिर्फ इतनी बात तुम याद रखो कि तुम मेरी ताकत हो, मेरी ऊर्जा हो तुम। मैं और कुछ नहीं जानता। कुछ तो फर्क पड़ा ही होगा भीम की परीक्षा में। जिसकी बीवी इतनी बीमार हो, वो शांत और एकाग्र मन से परीक्षा दे ही नहीं सकता। कुछ तो अंक उसका कम हो ही जाएगा। बस इस परीक्षा में भीम फेल हो जाए तो रमा के खाने में दवाई आपने मिलाई थी। क्या सबूत है तेरे पास कि रमा के खाने में मैंने दवाई मिलाई है? मतलब आप शातिर अभी तक बनी नहीं है, इसीलिए पकड़ी गई। ये क्या बकवास कर रही है? क्या पकड़ी गई मैं? यही कि जो शातिर होता है वो सवाल पूछने पर सबूत नहीं मांगता है, बल्कि ऐसे सवाल पर वो जवाब ना देकर सवाल करता है कि अच्छा, रमा ने कुछ खा लिया था इसलिए उसके पेट में दर्द हो रहा था। ये दे, इतनी समझ नहीं है मुझमें, और ना ही तू कोई पुलिस कप्तान है कि तेरी शंका से मुझे कुछ लेना देना है। आई, ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि रमा के खाने में आपने ही कुछ मिलाया होगा, क्योंकि खाना खाने से ठीक पहले बाहर जोकू काका कपड़े जला रहे थे और हम सब बाहर भाग कर गए थे, पर आप बाहर बाद में आई थी। मगर मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि बात तो सही है आपकी। आपको दोषी साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मगर आई, आगे से ध्यान रखिएगा। अगर सबूत के साथ पकड़ी गई ना, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं।